नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। नगर निकाय चुनाव को लेकर बसपा भी अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को जिताने पर जोर दे रही है। पार्टी के पदाधिकारी हर वार्ड में प्रत्याशियों को तलाशने में जुट गए कि पार्टी की तरफ से जो भी पार्षद प्रत्याशी बनाए जाएंगे उनके समर्थन में वोट देने के लिए लोगों से अपील की। जबकि फाफामऊ और सोराव विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव का विस्तार हो जाने से कई पार्षद प्रत्याशी अपनी दावेदारी का ताल ठोक रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के संभावित पार्षद प्रत्याशी केसरी नंदन वर्मा गोहरी वार्ड नंबर 10 से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। केसरी नंदन वर्मा के द्वारा गोहरी फुलवरिया गांव में बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग की गई और पार्टी के मिशन मूवमेंट पर भी चर्चा की गई। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विकास किए गए योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल मंडल अध्यक्ष राजनाथ पाल, सोराव विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र दिवाकर, फाफामऊ विधानसभा अध्यक्ष लालजी प्रेमी, वरिष्ठ बसपा नेता डॉक्टर अमृतलाल सालिकराम बौद्ध, रामकिशोर यादव, पूर्व प्रधान शीतला पासी, मंजीत कनौजिया, उर्मिला देवी, सुंदरी देवी, कबूतरी देवी, बिट्टी देवी, सुलोचना गौतम सहित तमाम लोग शामिल रहे। चुनाव नजदीक आ गया है, अब ये ग्राम सभा से पार्षद हो गया है, अगर किसको वोट देंगी आप? हाथी हाथी मायापति। आप क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? उर्मिला देवी। आपको मालूम है ना, ये प्रधान से यहाँ के पार्षद बनेंगे, आप किसको वोट देंगे? मायावती को। सब लोग मायावती को देंगे, आप किसको देंगे? क्या नाम है आपका? कबूतरी देवी। अच्छा, अब यहाँ प्रधान नहीं होंगे, अब यहाँ के पार्षद को चुनाव होगा। ठीक है भैया, कुछ भी होगा हमारे लोग। आपका क्या नाम है माता जी? बिट्टी। किसको वोट देंगे आप? मायावती का। मायावती चुनाव निशान क्या है? आपका क्या नाम है? आपको पता है पार्षद का चुनाव होने वाला है, तो यहाँ किसको वोट देंगे आप? हाथी पर। इस समय हम गौरी के वार्ड नंबर 10 में खड़े हो, यहाँ पर एक बसपा की एक छोटी सी मीटिंग थी, उसमें वहाँ लोग बताया गया, यहाँ सारे लोग का कहना है कि यदि पार्षद का जो भी चुनाव होगा हम बहन कुमारी मायावती जी को वोट देंगे और हाथी पर पूर्ण बहुमत के वोट देकर उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। मैं कैमरामैन जो है, चुनावी माहौल चल रहा है, गोहरी जो है पार्षद के विस्तार में आ चुका है, इस बैठक में क्या क्या बातें हुई और क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? अभी इस बैठक में पहले सबसे पहला काम हम लोगों का अपना ये बीएसपी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और सभी हम अपने पार्षद को जो भी आएगा उसको हम लोगों को जिताना है। बीएसपी का आगे के क्या रणनीति है? बीएसपी के आगे की रणनीति ये है कि इस मूवमेंट को छोटी छोटी बैठकों से चाहे जैसे करके हम सभी अपने लोटों को, अपने लोगों को आगे बढ़ाए करके और सभी को जोड़ करके, सभी जाति धर्म मजहब सभी सर्व समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का फिर से उसी तरह से हमको आने वाले 24 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। आपका परिचय? लालजी प्रेमी, विधानसभा अध्यक्ष। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।